गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। और गाइज आज के लगभग 8-10 बज रहे हैं गाइज, और मेरा ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गाइज, क्योंकि 8-10 दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मेरे चैनल का रीच काफ़ी डाउन हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी कम व्यूज़ भी आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है गाइज। इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था और ब्लॉगिंग भी छोड़ दिया था लगभग 8-10 दिनों के लिए। तो फिर मैं आज ब्लॉग स्टार्ट किया, और जब मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था छठ पूजा के बारे में तो काफ़ी अच्छा वीडियो था गाइज, और मैंने अपना पूरा एफर्ट उसमें लगाया था, लेकिन फिर भी क्या मात्र 300-400 व्यूज उस पर आए, जबकि मेरे सब्सक्राइबर लगभग 14,000 हैं। तो ऐसे कम से कम 5-6 के तो व्यूज़ आने चाहिए थे, लेकिन मात्र उस पर 300-400 व्यूज़ आए। ऐसे में काफ़ी सारे वीडियोज़ थे मेरे जो कि के अंदर ही रह चुके हैं, और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि यूट्यूब का शायद ये कोई नया एल्गोरिथम है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि विकास कौड़िया जो कि ब्लॉगर है उनका भी यही हो रहा है, साथ ही साथ आदित्य ब्लॉग से आप लोग पहचानते होंगे उन्हें, उन सभी के साथ भी इसे यही चीज़ हो रहा है जिसके वजह से काफ़ी कम व्यूज आ रहे हैं। तो मैं तब जाके मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि नहीं चलो सब सबके साथ ऐसा हो रहा है तो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, और इसी चीज़ को सोच कर मैं फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और अभी आज मैं ब्लॉगिंग फिर कर रहा हूँ और व्यूज़ कम आ रहा है, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था, और इसी वजह से मैं आप लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ, और इस ब्लॉग में मैं ज़रा कुछ दिखाऊंगा नहीं, तो आपसे मैं कुछ बातें करूँगा। तो चलिए बातें करते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद तो ब्लॉग में रुके, नहीं तो आप लोग जा सकते हो। हाँ तो गाइस मैं ब्लॉग में ऐसे ही बोल दिया कि अगर आप लोगों को ब्लॉग देखना है तो देखिए, और अगर आप लोगों को मेरी बातें सुनिए तो सुन सकते हो, नहीं तो आप लोग ब्लॉग से जा सकते हो। क्योंकि गाइस मेरा ना काफ़ी ज़्यादा मूड खराब है पिछले 8-10 दिनों से, क्योंकि जब मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ ब्लॉग्स में तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं पूरा तरीके से, जो कि व्यूज़ कम हो चुका है उसका। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्हें मैं देखता हूँ आते हैं बस 50 सेकेंड जो मन सो बोलकर चले आते हैं, और उनका फर्स्ट ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग खेतों में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, आप लोग कहीं भी देख लो काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, तो बस थोड़ा सा शांत माहौल है यहाँ का, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी फील हो रहा है मुझे। तो आज के ब्लॉग में मुझे कुछ मैं तो कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ नहीं, बस आप लोगों से थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर ब्लॉग को एंड करेंगे गाइस। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ का नेचुरल व्यूज़ दिखलाते हैं कैसा है हमारा हमारे गाँव का जो कि इन्वायरमेंट, तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं आप लोग को। गाइज़ आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ज़रा कुछ दिखा नहीं पाया, और मैं ब्लॉग कहीं पर एंड कर रहा हूँ, तो आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को समझ आया होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जिसके वजह से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था। तो अब से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा गाइज़, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर अपना प्यार और सपोर्ट मुझे बनाए रखोगे तो एक बार फिर से मेरा वीडियो का जो कि रीच जो कि डाउन नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो चलिए आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, और आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।